इसके साथ में एक तांबे का बर्तन इस टाइप का, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तांबे का लोटा इस संरचना का होता है, इस आकार का होता है। इसके आगे एक पाइप लगी हुई होती है और ये इसको जलनेती का एक लोटा बोलते हैं। अभी आपको करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सांस छोड़ना है नाक को, ये पॉली पोजिशन लेनी है, एक नाक में लगाना है, पानी को अंदर खींचना है, दूसरे नाक से बूंद बूंद पानी करके बाहर निकालना है। देखो इस टाइप से फिर रेगुलर धार बनती जाएगी पानी की। बहुत इजी प्रोसेस है करने में, अगर दैनिक जीवन में हम करेंगे तो इसका अभ्यास कर सकेंगे। और ये वाला अगर आप अभ्यास करते हैं तो कफ दोष जो भी आपका बड़ा होता है शरीर का वो बाहर निकल जाता है, जिससे श्वसन तंत्र से संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो आपको जिंदगी में कभी हो भी नहीं सकती। बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत अच्छा लाभ है, आप घर पे कर सकते हैं, अच्छे योग प्राकृतिक चिकित्सक की देखरेख में कर सकते हैं, आयुर्वेदा चिकित्सक की देखरेख में कर सकते हैं, फर्स्ट 2 से 3 टाइम, उसके बाद में आप रोजाना अभ्यास कर सकते हैं इसका। देखो कितना जबरदस्त तरीके से आपको करके दिखा रहे हैं। उसके बाद जितना भी जो भी पानी अंदर रहा है उसको आप लंबी लंबी सांस बाहर की छोड़ के नाक से उसको बाहर निकाल सकते हैं। थोड़ी थोड़ी फिर हल्की हफिंग करनी पड़ती है। ये होता है अभ्यास, धीरे धीरे अगर आप अभ्यास सीखते हैं तो ये वाला प्रोसेस आप इजी वे में कर सकते हैं। अभी पहली नाक से करके फिर दूसरी साइड में, पहले राइट साइड की नाक से किया था, अभी लेफ्ट साइड की नाक से। सिर्फ और सिर्फ पानी अंदर लेना है नाक से और फिर उसी दूसरे नाक के चीदर से उसको बाहर निकालना है। इस प्रोसेस को जलनेती बोलते हैं। अभी डॉक्टर साहब भी आ चुके हैं हमारे साथ। अभी सर हम YouTube पे लाइव हैं तो सर जलनेती के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल, ऑफकोर्स जैसा कि हम पहले भी बात करते आए हैं और फिर आपको कह रहे हैं कि प्रकृति ही सबसे बड़ा चिकित्सक है, प्रकृति आपको ठीक कर सकती है। प्रकृति ने जो हमें तत्व दिए हैं, आकाश वायु जल और पृथ्वी, उन्हीं से हम बने हैं और उन्हीं से हम ठीक हो सकते हैं। जल लेती, सूत्र लेती, ये सारे प्राकृतिक चिकित्सा है, ये आप कोई भी घर पे भी कंडक्ट कर सकता है। इसके लिए आपको बड़े हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं है कि इस तरह का जल लेती पात्र आता है। और इसलिए आपने देखा आज बहुत सारे लोगों को समस्या है कि सुबह उठते छींक आती है, साइनस है, साइनसाइटिस है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, सिर दर्द रहता है, माइग्रेन है। तो उसके लिए बहुत साधारण सा प्रोसेस है, जैसा डॉक्टर पंकज जी ने अभी आपको दिखाया, इसका कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप कर पाएंगे। और डॉक्टर के पास जाते हैं, एक ही बात बोलते हैं, आपके नाक की हड्डी बढ़ गई, आपको पॉलिप्स बढ़ गए हैं, ऑपरेट कराना पड़ेगा। बड़ा दर्दनाक वो काम होता है, लोग मैंने देखा ऑपरेट कराते हैं, 1-1.5 साल बाद फिर पॉलिप बढ़ जाते हैं। क्योंकि वो बीमारी का इलाज नहीं हुआ, केवल जो उसके सिम्टम्स हैं, लक्षण होगा, उसका इलाज हुआ कि सांस नहीं आ रहा तो मांस काट के बाहर निकाल दिया, बीमारी तो ठीक हुई नहीं, फिर बढ़ जाएगा वो। तो जल लेती एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, जिसके थ्रू आप नाक से जो भी अपने साइनस से संबंधित या माइग्रेन ऐसी समस्याओं बहुत आसानी से निजात पाया जा सकता है। बस उसके लिए आपको एक ये पात्र चाहिए और उष्ण जल चाहिए। आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, आप अपने घर पे अपना हॉस्पिटल बना सकते हैं। मैं तो हमेशा से कहता हूँ, फिर यही कहना चाहूँगा कि अपने डॉक्टर खुद बनिए यार। किसी बड़े बड़े हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी मशीनें आपकी बीमारी नहीं बता सकती, आप अपने डॉक्टर खुद बनिए, अपनी बीमारी खुद पहचानिए, अपनी बीमारी खुद ठीक कीजिए। और बहुत साधारण सी चीज़ें हैं, आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें इसको जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए, रोज आप प्रकृति के नज़दीक रहें और प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लें और आप अपनी बीमारी को ठीक करें। जी सर, धन्यवाद। अभी सर ने जैसा बताया एकदम वही चीज़ें मैं आपको अभी दिखा रहा था, या प्रकृति के नज़दीक जुड़ सकते हैं। और आप प्रकृति के जितना नज़दीक जुड़े रहेंगे, आप अपने घर पे भी अपना खुद का अस्पताल तैयार कर सकते हैं। सर ने बहुत अच्छी लाइन बताई थी, क्योंकि आप सुबह ये जलनेती करते हैं तो आपको जी उनकी में कभी भी कफ दोष नहीं होगा। कफ दोष नहीं होगा तो सर ने बताया था, साइनस नहीं होगा, साइनोसाइटिस नहीं होगा, कोई भी अगर बार बार छींक आना, जुकाम, जिस टाइप से श्वसन से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ हैं आप उनसे बहुत ईजी वे में निजात पा सकते हैं। फुल प्रेस आपको दिखाया है, अभी जैसे हम योगा टीचर करवा रहे हैं उस टाइप से।
ऐसे थोड़ी थपिंग करने से, ऐसे थोड़ी क्लिपिंग करने से माइंड रिलैक्स रहता है। सिर से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं, चाहे शिरोशूल हो, चाहे अर्धोवेदक हो, या मॉडर्न में बोले तो माइग्रेन हो, या जितने भी सिर से संबंधित या माइंड से जितनी से भी संबंधित बीमारियां, उनसे आप निजात पा सकते हैं। तो आज के प्रोसेस में हमने जल नीति के बारे में बताया। आने वाले टाइम में हम किसी और प्रोसेस के साथ मिलते हैं, और जुड़े रहें आप मेरे साथ।